उसमें सबसे बड़ी खबर इस वक्त आंसर समेत कई कोचिंग संचालकों पर FIR, राजेंद्रनगर टर्मिनल पर तोड़फोड़ मामले में FIR दर्ज की गई है। रेलवे के अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप है और पटना के पत्रकार नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। 400 और अज्ञात लोग हैं जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इस वक्त पटना से बड़ी खबर आ रही है और सबसे बड़ी खबर, और संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, क्या है FIR में? देखिए, ये पत्रकार नगर के थानाध्यक्ष मनोरंजन भारती, उन्होंने अपने ही बयान पर अपने थाने में केस दर्ज करवाया है और इसमें जिन प्रमुख लोगों के ऊपर FIR दर्ज हुआ है उसमें खान सर है, एसके झा सर है, नवीन सर है, अमरनाथ सर है, गगन प्रताप सर है और इसके अलावा गोपाल वर्मा सर है और बाजार समिति इलाके के विभिन्न कोचिंग संस्थान के जो संचालक है उनका मार्गदर्शन लिया गया। जो लोग पकड़े गए थे इस मामले में, किशन कुमार है, रोहित कुमार है, राजन कुमार है और इसके अलावा विक्रम कुमार है, ये चारों लोगों को पुलिस ने पकड़ा था। इनको जब गिरफ्तार किया तो इन्होंने इन कोचिंग संचालकों का नाम लिया और उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की। पटना पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी के बाद जो मामला दर्ज करवाया गया उसके बाद विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है और कुछ मनोरंजन भारती ने विभिन्न धाराओं में जो धाराएं लगाई गई हैं, मैं आपको बता दूं, धारा 147, 148, इसके अलावा 149, 151, 152, 186, 187, 188, 321, 323, 353, 504, 506 और 120 IPC की ये धाराएं लगाई गई हैं। और जो ये चार लोग गिरफ्तार किए गए, इन्होंने बताया कि इनसे कोचिंग संचालकों का नाम लिया। उसके बाद मनोरंजन भारती ने जो FIR में जो दर्ज किया गया है मामला, उसमें जो बातें वर्णित है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग द्वारा आग्रह की जो इसमें जिन्होंने इंस्पेक्टर ने लिखा है कि मैं पकड़े गए चारों व्यक्तियों और ऊपर वर्णित लोगों, पटना के विभिन्न कोचिंग संचालकों और अज्ञात 300-400 लोगों को षड्यंत्र के तहत नाजायज मजमा लगाकर सड़क मार्ग को बाधित करने, दंडाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को अपमानित करने, तोड़फोड़ करने और यातायात और लोक मार्ग को बाधित करने के आरोप में भारतीय दंड विधान की इन धाराओं के तहत आरोपित करता हूँ। यानी इन सभी के खिलाफ FIR लॉज हो गया है पत्रकार नगर थाने में और निश्चित तौर पर अब पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी और देखना होगा आगे पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। जी भी संजय, एक बार मजबूत हमें बता सकते हैं क्या लिखा है उस FIR कॉपी में, लाइन बाई लाइन, ताकि हम स्पष्ट कर पाए, अपने दर्शकों को स्पष्ट सुना पाए। ये जो FIR लिखा गया है, ये FIR खुद पत्रकार नगर के थानाध्यक्ष जो है उन्होंने अपने ही थाने में FIR लॉज करवाया है और जो FIR लॉज करवाया है उसमें उन्होंने लिखा, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें उन्होंने लिखा है कि पत्रकार नगर थाना में थानाध्यक्ष के रूप में पदस्थापित हूँ और आज दिनांक ये 24/1/2022 को दूरभाष के द्वारा और जो सोशल मीडिया में तेजी से फैल रहे वीडियो ऑडियो के बारे में जो जानकारी मिली कि NTPC रेलवे में रिजल्ट को लेकर कुछ गड़बड़ियां हुई है, उसके बाद काफी संख्या में छात्र राजेंद्र नगर टर्मिनल एवं उनके सामने की सड़क पर जमा हो रहे थे और इसी दौरान वरीय पदाधिकारियों और रेलवे के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि कुछ छात्र जिन्हें सोशल मीडिया पर बिल्कुल सोशल मीडिया से जोड़ करके उन शिक्षण संस्थानों के जो लोग जो संचालक है उनके ऊपर दर्ज कराया गया। तारीख कब की है उस FIR पर संजय? ये देखिए, तारीख तो विवेक स्पष्ट नहीं है लेकिन जो बहुत सारी चीजें जो है वो मिल पाई है मुझे, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल लेटर था तो बहुत सारी चीजें हमें नहीं। बहुत शुक्रिया संजय, बहुत शुक्रिया ये अहम जानकारी देने के लिए। राजधानी पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राजेंद्र नगर टर्मिनल पर तोड़फोड़ मामले में FIR और जो हम आपको बताएं कि खान सर समेत कई ऐसे शिक्षण संस्थान